हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब सो गाइस टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न दैट हाउ वी कैन यूज पास टेंसिसन एंड टास्क टू इन सो इसके पहले की वीडियो में हमने देखा कि पास टेंस क्या होता है पास टेंस कैसे पहचाना जाता है कैसे बनाया जाता है आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पास टेंस का प्रैक्टिकल यूज कहाँ है राइटिंग टास्क वन में होगा या टास्क टू में होगा या किस तरह से होगा सो गाइज so आपने देखा पास्ट टेंस में हमारे पास कितने ऑप्शन थे टोटल थ्री थे लेकिन कितने बचे थे उसके बाद दो सिंपल पास्ट एंड परफेक्ट प्रेजेंट एक बार आपको फिर से याद दिला दो सिंपल पास्ट टेंस क्या कहता था ये बोलता था टाइम इज स्पेसिफाइड राइट मतलब टाइम दिया हुआ है दो बजे खाना खाया चार बजे उठ गया दो में एग्जाम दे दो हजार बीस में उसने यूपीएससी uh, क्लियर की व्हाट एवर इट बी प्रजेंट परफेक्ट क्या कहता है टाइम इज अनस्पेसिफाइड गाइज राइट right? इसमें टाइम दिया हुआ नहीं है जैसे होमवर्क हो गया मैंने सबको बता दिया मैंने सब सुन लिया मैंने मूवी देख ली तो ये हमने देखा था गाइज तो आइए गाइज अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं आयल्स में राइट गाइज सो तो आइए शुरू करते हैं एज आई टोल्ड यू कि हम पास्ट टेंस का प्रैक्टिकल यूज़ सीखेंगे आयल्स में कहाँ किया जाता है राइट right? तो बेसिकली गाइज अभी आप जो देख रहे हो ये राइटिंग टास्क वन का एक क्वेश्चन है जिसे मैप कहा जाता है अब आप सबको बताएं कि राइटिंग टास्क वन में कितनी वेराइटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देर आर सिक्स टाइप ऑफ वराइटीज़ और सिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बिंग आज टू यू इन राइटिंग टास्क फंड सो बेसिकली अगर आप देख पा रहे हो तो क्या इसमें दो मैप दिए हुए एक साइंस पार्क 2008 पास्ट का मैप दिया हुआ है एक साइंस पार्क टुडे का मैप दिया हुआ है इट मीन्स रिकन्स्ट्रक्शन के बाद रीडेवलपमेंट के बाद ये जो साइंस पार्क के कुछ ऐसा दिख रहा है भाई तो बेसिकली गई हमको यहाँ पे दो फार्मूला फॉलो करना है और आपको पता है मैंने पहले भी के प्रोसेस चार्ट और राइटिंग टास्क वन में जो मैप पूछा जाता है वो हमेशा पैसिव वॉइस में ही लिखा जाता है राइट गाय सो यहाँ पे साइंस पार्क 2008 थाउजेंड एट अब टाइम स्पेसिफाइड ना तो कौन सा सिंपल पास टेंस यहाँ पे साइंस पार्क टुडे टुडे मतलब अभी मौजूद है अगर हम इस साइंस पार्क में जाएंगे तो हमको बिजनेस यूनिट देखने को मिलेगा हमको इनोवेशन सेंटर देखने को मिलेगा इसलिए इसमें कौन से टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट प्रेजेंटेंस बोथ आर द सेम टेंस सो so पे साइंस पार्क टू थाउजेंड एट जो लिखा हुआ है सिंपल पास्ट टेंस का जो कहता है where, का यहाँ पर क्या फॉलो करने वाले प्रेजेंट का यहाँ पे करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस हैज है थर्ड फॉर्म लेकिन इसमें एक, एक एक्स्ट्रा चीज क्या आएगी बेन तो फॉर्मूला बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बिन प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म राइट right गाइस तो इस मैप के जब मैं चेंज बताऊंगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा और इस मैप के चेंज बताऊंगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा बट मेक श्योर गाइस मुझे ये मैप ही यूज़ करना है ये मैप ही डिस्क्राइब करना है मुझे इसी को डिस्क्राइब करना है बिकॉज दिस इज जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर मी बेस्ड ऑन दिस आई हैव टू डिस्क्राइब इट सो लेट्स स्टार्ट गाइस सो गाइस पहले हम देखेंगे कि चेंजेस नोटिस करेंगे कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं तो चलो वन बाय वन करके देखते हैं तो कह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक इसको क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रास लैंड तो कह ग्रास लैंड पहले था 2008 में लेकिन अभी साइंस पार्क अभी जो डेवलप हुआ है नया यहाँ इसमें ग्रास लैंड है नहीं है तो चलो दो सेंटेंस हम बनाएंगे अलग अलग तो यहाँ पे लिखेंगे अच्छा इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यही ऑब्जेक्ट हैजीन ओ वॉक का थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे हम लिखेंगे बात किसकी कर रहे हैं ग्रास की तो मैं लिखूंगा ग्रास हैज बीन रिमूव

तो फिलहाल हम सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं सेंटेंस फॉर्मेटिंग कर रहे हैं सेंटेंस किस तरह से बनते हैं ग्रामर में बिना मिस्टेक किए राइट आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन पैराफ्रेज करके बॉडी पैरा वन बॉडी पैरा टू और कंक्लूजन किस तरह से लिखा जाता है तो so ये दो सेंटेंस बने लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है मैं दोनों अगर मुझे ना बनाने हो तो आई कैन मेक इवन यू नो वन कॉम्बो सेंटेंस लाइक मुझे मैं रिप्लेस बाय वर्ड यूज कर सकता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं ग्रास लैंड

ओके okay. उसके आगे देखते हो तो हम ऑफिस गए ऑफिस भी सेम है तो मैं लिखूंगा हैज अब ऑफिसिज है तो है लिखूंगा बहु बीन अब एज इट इज नहीं लिख सकता ना अभी लिखा है तो कुछ अलग करके लिखते हैं तो क्या लिखेंगे ऑफिस हैज हैव बीन कैप्ड अनचेंज्ड सिंपल तीसरा क्या है जगह पे क्या बना यूनिवर्सिटी हब हाँ। तो गाइज मैं लिख सकता हूँ क्या इसको मैं

तो तीसरा नो चेंज आ रहा है तो इसमें मैं नो चेंज से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे एक चीज का ध्यान रखना है रिपिटेशन शुड नॉट बी दया तो मैं लिखूंगा नो चेंज हैज बीन डन इन बिजनेस यूनिट्स उसके बाद देखते हैं गए कार पार्क क्या हो रहा है तो कार पार्क में क्या हो रहा है गई तो कार पार्क डिक्रीज हो रहा है लेकिन मेक श्योर कार पार्क डिक्रीज नहीं हो रहा है कार पार्क का एरिया डिक्रीज हो रहा है साइज डिक्रीज हो रही है तो मैं लिखूंगा द एरिया ऑफ कार पार्क हैज बीन डिक्रीज राइट right? उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे अगेन ग्रास लैंड आ रहा है तो अब यहाँ से ग्रास लैंड क्या हुआ है रिमूव कर दिया गया हटा दिया है तो मैं लिखूंगा ग्रास लैंड लेकिन ग्रास लैंड तो पहले भी लिखा है मैंने तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा और स्पेसिफाई करने के लिए मुझे यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है तो ये डायरेक्शन यूज करना होता है ना चीजों को स्पेसिफाई करता है ये तो मैं लिखूंगा कौन सा वाला ग्रास लैंड तो मैं लिखूंगा ग्रास लैंड इन ईस्टर्न साइट हैज बीन टेकन अवे हैज़ बीन है राइट गाइज इससे क्या होगा मेरे एग्जामिनर को थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और मेरा कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगा और अगर मेरा कम्युनिकेशन क्लियर होता है गाइज तो अकॉर्डिंग टू राइटिंग टास्क बैंड और राइटिंग बैंड डिस्क्रिप्टर्स ऑफिशियल अकॉर्डिंग टू आई मुझे मोर देन सिक्स बैंड ईजीली मिलने की पॉसिबिलिटी होती है राइट right? क्योंकि आप जो भी लिख रहे हो उसको स्पेसिफाई करना सीखना होता है आपको ओके okay, उसके बाद क्या लिखा हुआ है गाइज तो यहाँ पे लिखा हुआ है वोट अब देखो वोट लैंड से तीन जगह एक दो तीन यहाँ पे भी एक दो तीन सेम है ना तो एक सेंटेंस लिख सकते हो कि इन साइंस पार्क ऑल ओवर इन साइंस पार्क देयर हैज बीन नो चेंज इन वोट लाइट सिंपल ओके इसके बाद क्या हो रहा है साइबर सिक्योरिटी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है लेकिन क्या इंक्रीज हो रहा है साइबर सिक्योरिटी नहीं इसका साइज इंक्रीज हो रहा. तो तो रहा है तो मैं लिखूंगा द साइज ऑफ साइबर सिक्योरिटी हैज बीन इंक्रीज लेकिन डिक्रीज वहाँ पे लिखा था तो सेम सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं एक अच्छा वर्ड यूज कर सकता हूँ एक्सपांडेड बीन

न्यू स्टेशन है तो उसको हम बोलते हैं है आपका तो मैं क्या लिख सकता हूँ okay. और कुछ छूट रहा है अच्छे से देख लो तो और क्या छूट रहा है तो हाँ और बस स्टॉप है बस स्टॉप भी क्या हो रहा है ऐड हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ न्यू बस स्टॉप हैज बीन गिवन इन न्यू साइंस पार्क अभी दोनों ऐड हो रहा है तो दोनों का कॉम्बो भी लिख लेक सकता हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे सेंटेंस बनाना सीखना है ना तो हर एक चेंज को अच्छे से सीखना है गैस। ये बहुत बेसिक से बता रहा हूँ मैं ध्यान रखना ओके उसके बाद क्या हो रहा है गैस तो उसके बाद अगर हम देखें तो क्या हो रहा है तो इसके बाद साइकिल पाथ ऐड हो रहा है ना कहाँ कहाँ ऐड हो रहा है नीयर बाय बस स्टॉप और नीयर बाय कार पार्क आप चाहे तो नीयर बाय इनोवेशन सेंटर भी ऐड कर सकते हो मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है आपके एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप जो लिख रहे हो वो समझने में एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर उसको प्रॉब्लम होती है तो ऑलवेज ध्यान रखना आप सिक्स पेन के नीचे ही आओगे हमेशा बट इफ इट्स वेरी क्लियर टू धिम यू विल डेफिनेटली गेट गाइज सिक्स और मोर देन सिक्स पेन्स ओके तो कहीं जहाँ पे क्या हो रहा है तो यहाँ पे देखो गई ध्यान साइकिल पाथ ऐड हो रहा है तो मैं लिखूंगा अ न्यू साइकिल पाथ हैज बीन एडेड नियर बाय बस स्टॉप एंड कार पार्क एज वेल राइट ओके okay. उसके बाद गैस क्या हो रहा है तो चलो हम थोड़ा पाथ की भी बात करते हैं पाथ भी चेंज हो रहे हैं ना तो मैं देखूंगा कि पाथ एक यहाँ से देखो कार पार्क में आ रहा है सीधा पहले नहीं था ना यहाँ पे रास्ता कोई नहीं था अभी पाथ में आ रहा है यहाँ पे राइट तो हम स्टेशन से स्टार्ट कर सकते तो स्टेशन से चलो यहाँ से शुरू करते पाथ का तो यहाँ पे देखो तीनों को पाथ मिल रहा है तब तो मैं लिखूंगा इनोवेशन सेंटर कार पार्क एंड साइबर सिक्योरिटी हैव बीन गिवन अ न्यू पाथ फ्रॉम स्टेशन राइट गैस ओके okay, एक और पाथ है जो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अ न्यू पाथ हैज बीन प्रोवाइडेड टू यूनिवर्सिटी हब फ्रॉम कार पार्क ये भी लिख सकते हैं हम और एक और ये भी पाथ है गाइस जो ऑफिस और यूनिवर्सिटी हब से ऊपर कहा जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो मैं लिख सकता हूँ इसको एक्टिव वर्सम बना लेते हैं ऑफिस एंड यूनिवर्सिटी हब हैव गिवन पाथ लेकिन जैसा मैंने बताया आपको पैसी वॉइस में ट्राई करना है क्योंकि ये पैसी वॉइस में ही लिखा जाता है राइट अदरवाइज इट अप्स टू योर एक्सपीरियंस सो so गाइज क्या लिखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज़ बीन गिवन अ न्यू पाथ फ्रॉम ऑफिस एंड यूनिवर्सिटी हब सो गाइज इतना समझ में आ रहा है आप सबको तो ये था गाइज राइटिंग टास्क वन किस तरह से हमको पास टेंस का यूज करना है राइट right गाइज और मेक श्योर sure अभी हमने सेंटेंसिस बनाना सीखे है आगे की वीडियो में हम सीखेंगे कि इसको पूरी तरह से फॉर्मेटिंग वे में किस तरह से लिखा जाता है किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है क्यों गाइज क्योंकि हम बहुत बेसिक से जा रहे हैं और अभी हमने कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स एंडल बनाना सीखा नहीं है तो हम जब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे तब हम इसी मैप को एक स्ट्रक्चर वाइज लिखेंगे बॉडी पैरा वन बॉडी पैरा टू इंट्रोडक्शन पैरा फ्रेज और लाइक यू नो कंक्लूजन सो डोंट वरी गाइज वी विल बी देर ऑलवेज फॉर यू एंड वी विल बी ट्राइंग टू मेकिंग वीडियोज फॉर यू एवरी डे थैंक यू